कि अभी समय संघर्ष का समय है, और ये जो अभी फिरका प्रस्थित ताकत है और जो मधुवाणी ताकत है, जो अभी मैं कहने का गुरेज नहीं रखूंगा कि जो अभी शासन कर रही है, उनको हमें चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो और मुस्लिम हो, इनको इकट्ठा होकर हमें इनसे मुकाबला करना है। साथियों, मेरे पिता तो नरेंद्र कुमार जी कह रहे थे, मेरे नेता राहुल जी के बारे में, और मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, और मैं गुजरात का प्रभारी भी हूँ जहाँ से रंगा बिंदा आते हैं। तो मैंने इनकी रंगा बिंदा में इंतजार भी हुआ था, और मैं खुलेआम और गुजरात में कहता हूँ कि हमारे उत्तर भारत के लोग हैं वो कम से कम अपनी बात करते कह रहे हैं, लेकिन इनका तो पता नहीं है कि कब रात को कहा हो और सवेरे कहा हो। साथियों, मैं एक बात और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदर श्री राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीति, और मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और उन्होंने दलितों और पिछड़ों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया। मैं कुछ मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये सब सामने आना चाहिए जो फिरकापरस्ती ताकतों ने और संघियों ने जो बात प्रारंभ की है, ये पूरा प्रोपेगेंडा बना रखा है। आप कभी चले जाइए, मैं संगठन का व्यक्ति होने के नाते इतनी बातें बताना चाहता हूं कि संगठन में इस समय कांग्रेस में सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े हैं, इससे पहले कभी नहीं रहे। साहब देख रहे हैं ज्यादा बोल रहा, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम में आने के बाद, और यहाँ पर जितने भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, मैं हिंदू कॉलेज का छात्र रहा हूँ, और मैंने 1996 में जब दूसरों का चुनाव रहा तो मैंने दलित पिछड़ा और मुस्लिमों की सबसे ज्यादा की। मेरे कॉलेज हिंदू में एबीपी का गढ़ होता था, और मैंने सबसे पहले गेट को बंद किया कि यहाँ पर एबीपी का कोई भी साथी नहीं घुस सकता। उसके पीछे मुझे दो तीन बॉडी शरण थाने में भी रहना पड़ा था, लेकिन जो समय की बातें हैं पर चलते रहने चाहिए, ये हमारा कारोबार बढ़ते रहना चाहिए, मुझे तो इसी में खुशी होती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो। जय जय संगठन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।